गाजीपुर से 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी। इसके बाद उन धान को कूटने की जिम्मेदारी जनपद के अंतर्गत चलने वाले राइस मिलों की होती है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा उन मिल को धान की कुटाई का निर्देश दिया जाता है। वहीं मिल मालिक और ग्रामीणों के द्वारा बताई गई बात की चुनावी रंजिश की वजह से शिकायत की जा रही है और साथ ही पर्यावरण के द्वारा जो भी नोटिस मिला था उसके जवाब दे दिए गए हैं। इस पर जिलाधिकारी ने बताया कि राइस मिलर के द्वारा जो भी जवाब प्रदूषण निदेशालय को दिया गया है उसकी जानकारी लेकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। राइस मिल की शिकायत प्राप्त हुई थी, विगत दिनों उसकी जांच कराई गई थी और पाया गया था कि वहां पर आबादी का क्षेत्र है और वहां पर जो राइस मिल चल रहा है उससे प्रदूषण भी हो रहा है। उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर हम लोगों ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग को भेजा था और अब उनके स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है। उन्होंने संभवतः मिल मालिक से उनका जवाब मांगा है, उसके बाद उस पर अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी। मिल मालिक के द्वारा मैडम जवाब दे दिया गया और मिल मालिक का ये कहना है कि गांव के लोगों के द्वारा जो है प्रधानी चुनाव की रंजिश की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि गांव में तो अन्य राइस मिल है उनके खिलाफ गाँव वालों कोई शिकायत है, सिर्फ इनके खिलाफ है। देखिए, ये जो भी इंडस्ट्री के विभाग के और प्रदूषण विभाग के नॉर्म्स होंगे उसके तहत निर्णय लिया जाएगा और जो जवाब मिल मालिक ने दिया है प्रदूषण विभाग को उपलब्ध कराया गया होगा, तो उनसे इस बारे में जानकारी करके अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी।